छात्र गैंग के तीन आरोपी 2,42,000 रुपए के साथ गिरफ्तार। मुरादाबाद के थाना मंझोला क्षेत्र में हुई दो बड़ी चोरियों की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह के तीन आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने घटनाओं का खुलासा कर दिया है। इनके पास से नकदी के साथ एक कार भी बरामद की गई है। थाना मंझोला क्षेत्र की बुद्धि विहार कॉलोनी में दिन दहाड़े अज्ञात चोरों ने निशाना बनाते हुए बड़ी चोरियों की घटना करते हुए मंझोला पुलिस के लिए एक चुनौती पेश की थी। इसमें एक बैंक अधिकारी का घर भी शामिल था जहां से चोर लाखों रुपए की नकदी और जेवरात चुरा ले गए थे। इन घटनाओं के बाद मुरादाबाद पुलिस ने इसे अपनी नाक का सवाल बनते हुए कई टीमें गठित करते हुए जांच शुरू की तो कल गैंग के तीन आरोपी 0 पॉइंट पर पुलिस की गिरफ्त में आ गए। पुलिस ने इनके पास से 2,42,000 रुपए की नकदी और कुछ चांदी के सिक्के सहित अन्य सामान भी बरामद करते हुए आज एसपी सिटी अमित आनंद ने इसका खुलासा कर दिया। एसपी सिटी के अनुसार इनमें इमरान सैफी और जावेद सैफी मेरठ जनपद के रहने वाला है जबकि तीसरा आरोपी नरेंद्र उर्फ रोहित गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है। ये लोग कार लेकर पोस्ट कॉलोनी में घूमकर ऐसे घरों को निशाना बनाते हैं जिन पर ताला लटका होता था। पुलिस ने इनके पास से एक स्विफ्ट कार भी बरामद की है जिसमें ये लोग घूमकर घटनाओं को अंजाम देते थे। अभी इनका एक और साथी फरार चल रहा है, उसे भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसे 90 घंटे के अंदर सॉल्व करते हुए एक अंतर्राज्यीय गैंग के तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। ये इमरान सैफी और जावेद सैफी दोनों ही मेरठ के रहने वाले हैं और नरेंद्र नोएडा के रहने वाले हैं। पूर्व की कई अपराधी घटना करी है। मझोला में घटना करने से पूर्व एक दिन पहले बहादुरगढ़ हरियाणा में थी जिन्होंने 5,50,000 की चोरी व सोने के आभूषण वहाँ से चलाए थे जिसका वाक्य मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी चोरियाँ की हैं। ये लोग जो पॉश कॉलोनियों में अपनी कार लेकर घूमते हैं जिस घर में भी इन्हें ताला लगा हुआ दिखता है उस ताले को तोड़ते हैं और जल्दी से जो भी इन्हें सामान मिलता है उसे लेकर ही फरार हो जाते हैं। इनके पास से कुल 2,42,000 रुपये, एक LED TV, दो चांदी के सिक्के व आभूषण घड़ी और जो घटना में इन्होंने जो औजार प्रयुक्त किया था और एक स्विफ्ट कार को इन्होंने बरामद किया गया है। इनके पास अग्रिम कार्रवाई की क्या की जाएगी? इन सबकी गिरफ्तारी की गई है और इनको जेल भेजा जा रहा है।